बीबीसी भारत विरोधी एवं हिंदू घृणा से सनी एक प्रोपोगेंडा मशीन। करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली पत्रकारिता का नाम है बीबीसी। बीबीसी पत्रकारिता की आड़ में हिंदू त्योहारों, भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं के खिलाफ फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा और भारत के विरोध में एक नया एजेंडा चला रहा है। आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह भारत विरोधी बीबीसी हिंदू विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है और मुगलों की शान में कसीदे पढ़ रहा है। दिवाली, घर की सफाई की परंपरा कैसे महिलाओं की मुसीबत बढ़ाती रही है। बीबीसी ने इस स्टोरी के जरिए दीपावली के पर्व को महिलाओं के लिए नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की और ये बताने का प्रयास किया कि दीपावली त्योहार किस तरह महिलाओं पर बोझ बनता है। दीपावली के एक दिन के बाद बीबीसी की ओर से ट्वीट किया गया, जिन्होंने कल पटाखे फोड़े उनसे आप क्या कहेंगे, जिसमें कई यूजर्स ने पटाखों को लेकर दिवाली त्योहार पर प्रश्न खड़े किए। पिछले कई वर्षों से पटाखों को लेकर बीबीसी दिवाली के पर्व पर अपना प्रोपोगेंडा चलाता रहा है। ऐसे नवरात्र का त्योहार मनाते थे मुस्लिम शासक। इस लेख के जरिए बीबीसी द्वारा नवरात्रि को लेकर मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन करने की कोशिश की गई है। बीबीसी ने एक ऐसे कार्टून का समर्थन किया था जिसमें श्रीराम से सीता को यह कहते हुए दिखाया गया कि वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें रावण ने कैद किया था, ना कि राम भक्तों ने। जय श्री राम को बीबीसी ने बताया था मर्डर क्राई। बीबीसी इस खबर में लिखता है कि हाल ही के वर्षों में हिंदू लिचिंग भीड़ ने राम के नाम को हत्या के नारे में बदल दिया है और अंत में ये मॉब लिंचिंग में बीबीसी और उसके कार्टूनिस्ट का जय श्री राम वाला नैरेटिव भी देख लीजिए। यह तो बस बीबीसी के हिंदू विरोधी एजेंडे की बानगी भर है। ऐसे न जाने कितने ही हिंदू घृणा से सनी प्रोपोगेंडा मशीन बीबीसी की मानसिकता उसकी खबरों में दिखाई देती है, लेकिन बीबीसी के टारगेट पर सिर्फ हिंदू त्योहार होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईद अल अजहा यानी बकरीद पर लाखों लाख जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है, तब बीबीसी बेकसूर पशुओं की हत्याओं पर चुप्पी साध लेता है। नए वर्ष के मौके पर पूरी दुनिया में पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन तब बीबीसी को पर्यावरण को लेकर ये ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं आता।